दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना काल में जहां आज कुछ लोग आपदा को अवसर बनाने का मौका नहीं छोड़ रहे, तो वहीं नाहन में जरूरतमंदों की सेवा में सेवा भारती पिछले 28 दिनों में लगातार जुटी हुई है। सेवा भारती के सभी स्वयंसेवक दूसरों के दुख दर्द को बांटने में इस महामारी काल में अपने जीवन के सुखों की परवाह न करते हुए कोविड हॉस्पिटल आइसोलेशन में निःशुल्क पौष्टिक भोजन को जहां दो समय लगभग प्रतिदिन 260 भोजन पैकेट तैयार कर पहुंचा रहे हैं, वहीं आपातकाल में किसी को ब्लड ऑक्सीजन दवाइयों के अलावा ऐसे लोग जो इस महामारी में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं वो उनके शवों का कोई देवदार नहीं है, उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। यही नहीं, अब आगामी 5 जून को शहर के वातावरण को हवन यज्ञ से शुद्धिकरण का निर्णय सेवा भारती ने ले लिया है। कोरोना काल में जिला सिरमौर में भी इसका व्यापक असर पड़ा है। जहां आज की डेट इस कोरोना काल के अवसर पर आपदा को लोग अवसर बनाने पर लगे हैं, ऐसे में सेवा भारती नाहन का एक बहुत अच्छा चेहरा सामने आया है। तो ये किस तरह से ये सेवा कार्य शुरू हुआ, संचालित हो रहा है? पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरे राष्ट्र में हमारा जो है सेवा कार्य चल रहा है। उसी कड़ी में जो है अपना जो है सेवा भारती जो नाहन में हमारा अपना सेवा कार्य चल रहा है। पिछले 28 दिन से जो है हम लोग जो है निशुल्क भोजन व्यवस्था जो है दो समय की मेडिकल कॉलेज के पास हम अपनी कर रहे हैं, और इस भोजन व्यवस्था में जो है कोरोना प्रोटोकॉल से संबंधित जो भी नियम है सरकार के, उन नियमों का पूरा जो है ध्यान रखा जा रहा है सारा का सारा। और यह जो अपना जो भोजन व्यवस्था है पूरे नगर के जो है समाज के सहयोग से हो रही है व्यवस्था, और समाज के लिए ही व्यवस्था अपनी है हो रही है। इस नियमित कार्य से संबंधित अपना कि अपना जो पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंट्स हैं, उसके अलावा जो है आइसोलेशन में जो भी घरों में जो भी पेशेंट्स हैं, और उसके अलावा और भी समाज में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है, तो डोर टू डोर जो है दो समय की भोजन की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। इसके अलावा भी कि जिन समाज के अपने लोगों को कोई दवाइयों से संबंधित की जरूरत है, दवाइयाँ उनको निःशुल्क पहुँचाई जा रही हैं। परिवहन व्यवस्था से संबंधित जो है वो हम व्यवस्था उसमें दे रहे हैं। काढ़ा वितरण है,
इसके अलावा अन्य अन्य जिस जिस चीज की समाज की जरूरत पड़ रही है वो व्यवस्थाएं हमारे लोग अपने बंधु कर रहे हैं नगर में। इसके अलावा भी जो है कि कोविड से रिलेटेड जो है अंतिम संस्कार में भी जो है सरकार को प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जा रहा है, और नगर में जो है हमने जो है इस प्रकार से संबंधित जो है दो अस्थि विसर्जन में भी हमने सहयोग अपना दिया है। भविष्य में भी जो है कि सेवा भारती जो है अभी जो सेवा कार्य चल रहे हैं हमारी कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी हमारे अपने जो सेवा कार्य जो है वो निरंतर अपने वो चले। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।